मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समस्वा धात्री स्वाहा। नमस्ते ओम जयंती जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समस्वा धात्री स्वाहा। नमस्ते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समस्वा धात्री स्वाहा। शनिवार की रात्रि में 9 बजे के बाद इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पुनः सूचित कर रहा हूँ कि सट्टे आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, केवल जरूरतमंद और ज्यादा परेशान व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सट्टे का सबसे पावरफुल मंत्र, सबसे पावरफुल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप शुद्ध होकर शनिवार के दिन पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं, सामने माता महाकाली की तस्वीर या फोटो लगा लें, और यदि कच्ची नीचे जमीन है तो कच्ची जमीन को गोबर से, गाय के गोबर से लीप लें, या फिर फर्श है तो वहां पर गंगा जल से इस प्रकार शुद्ध कर लें। ओम मैं पवित्रो पवित्रो वागतोम्बे पुंडरीकाक्षर ब्रह्मंतर सूची, इस प्रकार पहले पवित्र कर लें। उसके बाद आपको सरसों के तेल का, यानी सरसों के तेल का आपको माता महाकाली के सामने एक दीपक जलाना है। एक दीपक आप जलाएं, माता महाकाली के सामने एक दीपक जला कर रखें। उसके बाद एक धूप आप जला लें। उसके बाद आपको सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ को, गुरु गोरखनाथ को आपको भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ को सर्वप्रथम आपको 5-5 पतासे या कोई भी मिठाई, गुरु गोरखनाथ या और भगवान शिव दोनों का नाम लेकर आपको भोग में रखना है। ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शंभुवाय महेश्वराय दिगंबराय जटाधराय। जय गुरु गोरखनाथ। भोग प्रसाद ग्रहण स्वीकार करें। हे सदाशिव, भोग प्रसाद स्वीकार करें। आपको ये दाएं तरफ रख देना है। उसके बाद आपको माता महाकाली का ध्यान करना है। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। माता महाकाली का ध्यान करते हुए उनको पेड़े का भोग आपको लगाना है, पेड़े का भोग आपको रखना है। इसके बाद आपको दही भल्ले, 2 दही भल्ले ले लें। इसमें आपको चटनी नहीं डलवानी है, केवल भल्लों के ऊपर दही डलवानी है, नमक मिर्च इत्यादि नहीं डलवाना, केवल भल्ले और उसके ऊपर दही। ये श्री भैरव देव का ध्यान करते हुए ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। या फिर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आप ध्यान करते हुए श्री भैरव देव जी को यह भोग लगाएं। यह विधि मैं आपको थोड़ी तेजी के साथ में दिखा रहा हूँ। इसको आप तसल्ली बख्श सादा भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ आराम से करें। ये मैं स्पीड के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ। और साथ में आपको पानी का लोटा आप साथ में रखें। ये सारा सामान आप पूजा में रख लें। उसके बाद सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें। अपने गुरु का ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यदि आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव के ओम नमः शिव मंत्र का एक माला जाप करेंगे पहले। उसके बाद माता महाकाली के मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप एक माला आप उनकी जाप करेंगे। और एक माला माता महाकाली के मंत्रों की जाप करने के बाद फिर आपको जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र है, कंड कंड करती काल का, मंड मंड करे मसान, आओ सट्टे की बात बताओ भैरव बलवान, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको 5 माला आपको जाप करनी है। वहीं पर बैठकर आपको 5 माला आपको जाप करनी है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण रूप से समर्पण भावना के साथ आपको जाप करना है। और रात्रि में वहीं पर आपको सो जाना है, उसी कक्ष में। यदि आपके बाद आपके पास अन्य कोई कक्ष नहीं है, जिसमें आप रहते हैं वही कमरा है, तो वहीं पर उसी कमरे में भी आप ये कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण करेंगे और सात्विक भाव से इस साधना को आप करेंगे। इस साधना को करने से रात्रि में आपको सट्टे का नंबर दिख जाएगा। तो लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल स्वार्थी होते हैं और पापाचारी होते हैं, उनको एक बार में शायद सट्टे का नंबर ना दिखे। आपको उससे निवेदन है कि आप इसका प्रयोग जग कल्याण के लिए करें, दूसरों की सहायता करने के लिए करें। कोई अपाहिज है, कोई परेशान है, किसी को गरीब को बेटी की शादी इत्यादि करनी है, तो वही इसका प्रयोग करें। अन्यथा अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और मैं एक बार पुनः आपको चेतावनी दे दे रहा हूँ कि यह सट्टे का कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं होता। मैं और हमारा चैनल इसकी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। केवल जानकारी के लिए आपको यह प्रयोग बताया गया है।
यदि आप इस पुरुष में किसी प्रकार की हानि का उठाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम। अगले दिन प्रातः दही बनने